दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी वेशभूषा बदलकर, अपने चेहरे को ढककर एक गुरु के पास आया और उन गुरु के बारे में यह विख्यात था कि वह बहुत ज्ञानी है। वह हर सवाल का जवाब जानते हैं और हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता है, वह उसकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति भी इसी आस के साथ उन गुरु के पास पहुंचा था। वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं बूढ़ा हूं और मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं, लेकिन मैं इस समय पर आपसे कुछ जानना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, अब तुम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो और इस समय तुम अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो। अब तो तुम्हारे शरीर में ताकत भी नहीं बची, आखिर तुम पहले क्यों नहीं आए? इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, पहले मेरे मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठा था जिसको जानने की जिज्ञासा मेरे मन में अति तीव्र हो। तभी वह गुरुवर कहते हैं, ठीक है, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन भर क्या पाया? क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? वह गुरु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, तुमने अपने पूरे जीवन भर केवल धोखा पाया है। ये सुनते ही वह बूढ़ा व्यक्ति उन गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, आप ठीक कहते हैं, मैंने अपने जीवन भर केवल धोखा ही खाया है। हर कोई हमेशा मुझे धोखा ही देता रहता है। मैंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर केवल धोखा ही पाया है। यहां पर कोई किसी का नहीं है। तभी वह गुरुवर कहते हैं, तुमने तो पूरा सवाल किया ही नहीं। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि आखिर तुम्हें धोखा किसने दिया है? वह बूढ़ा व्यक्ति उन गुरु से कहता है, नहीं गुरुवर, मैं जानता हूं कि मुझे धोखा किसने दिया है। मैं उस हर एक व्यक्ति का नाम जानता हूं। मुझे उस हर एक व्यक्ति का नाम याद है। उन्होंने कब और कैसे मुझे धोखा दिया था, वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। तभी वह गुरुवर कहते हैं, किंतु एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके बारे में तुम अभी भी अज्ञात हो और वह तुम्हें पल पल धोखा दे रहा है, जिसके बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते। वह व्यक्ति जन्म काल से ही तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम अब तक उसे नहीं पहचान पाए और वह तुम्हें हर पल धोखा दिए जा रहा है। जब तक तुम्हारी ये सांस चलती रहेगी, जब तक तुम्हारा ये जीवन रहेगा, वह तुम्हें धोखा देता ही रहेगा। उन गुरु की ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति बड़ा अचरज में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बचपन काल से मेरे साथ है और मेरे मृत्यु तक भी मेरे साथ ही रहेगा, और तो और जिसे मैं नहीं जानता। वह बड़ी अचरजता से उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर वो कौन है जो मुझे धोखा दे रहा है? कृपया करके मुझे उसका नाम बताइए। कृपया करके मुझे ये बताइए कि आखिर वो है कौन और कहां रहता है? तभी वह गुरुवर कहते हैं, राजन, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अपना चेहरा ढककर, अपनी वेशभूषा बदलकर, आप इस तरह से मुझसे मिलने क्यों आए हैं? वह व्यक्ति उन गुरु के मुख से यह बात सुनते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और आश्चर्यचकित होकर वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आपको कैसे पता चला कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट हूं? तभी वह गुरुवर कहते हैं, तुम्हारी वाणी किसी सम्राट की लगती है और तुम्हारी वाणी से ही यह झलक रहा है कि तुम एक राजा हो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? तभी वह बूढ़ा राजा उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यही पास में एक छोटा सा जंगल है। उस जंगल में 10 पेड़ हैं। जब तक मेरे शरीर में ताकत थी, जब तक मैं बलवान था, मैं युवा था, शक्तिशाली था,
जब तक मेरे बाजुओं में ताकत थी, तब तक मैं उन पेड़ों पर अपने एक ही बाण से निशाना लगाकर उन सभी को भेद सकता था। मेरा एक ही बाण उन सभी 10 पेड़ों के आर पार निकल जाता था। लेकिन आज जब मैं उन पर निशाना साधता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरा निशाना नहीं लग पाता। 10 पेड़ तो छोड़िए, मेरा निशाना एक पेड़ तक भी नहीं लग पाता। तो फिर 10 पेड़ कैसे पार होंगे? जब मैं रूप बदलकर, वेशभूषा बदलकर उन पेड़ों को भेदने का प्रयास कर रहा था तो आसपास के सभी लोग यह देखकर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और वह केवल एक ही बात कह रहे थे कि यह कार्य केवल हमारे राज्य के राजा कर सकते हैं। और कई लोग तो वहां पर ऐसे भी थे जो यह कह रहे थे कि यह बूढ़ा पागल हो चुका है। ये सारी बातें सुनकर मैं बहुत निराश हो चुका था, अपने आप से हार चुका था। इसलिए मैं वहां से वापस लौट आया, और जब मैं वहां से लौट रहा था तो मैंने आपको देखा। मैं आपके पास तुरंत चला आया ये जानने के लिए कि आखिर मैंने अपने जीवन में क्या पाया। तभी वह गुरुवर कहते हैं, ठीक है, मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह गुरुवर आगे की ओर चलने लगते हैं, और वह बूढ़ा राजा उनके पीछे पीछे आगे की ओर बढ़ने लगता है। वह गुरुवर उस राजा को उन्हीं 10 पेड़ों के पास ले जाते हैं और उस राजा से कहते हैं, हे राजन, निशाना लगाइए। इस पर वह बूढ़ा राजा एक बार फिर से अपने मुंह को छुपाकर निशाना साधने का प्रयास करता है। वह कई बार प्रयास करता है लेकिन एक भी निशाना सटीक नहीं लग पाता, एक भी तीर पेड़ में जाकर नहीं घुस पाता। तभी वो राजा कहता है, हे गुरुवर, आपने देखा मैं कितना कमजोर हो चुका हूं, मेरी शक्ति अब क्षीण हो चुकी है, मेरे भीतर अब पहले जैसी वो ताकत नहीं रही, ये सब अब मेरे बस का नहीं है, आखिर मैं बूढ़ा हो चुका हूं। इतना कहकर वह बूढ़ा राजा वहीं पर सर पर हाथ रखकर बैठ गया। तभी वह गुरु कहते हैं, हे राजन, जाओ और अपनी योद्धा वाली पोशाक पहनकर वापस लौटो, अपने रथ पर आओ, अपने उसी तीर और धनुष के साथ वापस आओ जिसका इस्तेमाल करके आप इन 10 पेड़ों को एक ही तीर से भेद दिया करते थे। एक राजा की तरह वापस लौटो, ना कि एक बूढ़े व्यक्ति की तरह। राजा ने उन गुरु की बात मान ली, वह तुरंत ही वापस महल लौटा। उसने अपने कवच पहने, योद्धाओं वाली पोशाक पहनी, उसने अपना वही तीर धनुष लिया और अपने रथ पर बड़ी शान के साथ वह वापस उसी जंगल में आ पहुंचा। जब वह रथ से आ रहा था तभी आसपास के लोग यह देखकर कह रहे थे, देखो ये है हमारा राजा, ये है वो शूरवीर योद्धा जो एक ही तीर से 10 पेड़ों को एक साथ भेदने की क्षमता रखता है। जय हो शक्तिशाली योद्धा, आपकी जय हो, आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो एक ही तीर से इन 10 पेड़ों को भेद सके, ऐसा आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। यह सब वो राजा सुन रहा था। अपनी प्रजा के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा अपने आप को और भी बलवान महसूस करने लगा था। वो अंदर से अकड़ गया था, वरस से उतरा और उसने अपना धनुष बाण उठाया, निशाना साधा और तीर चला दिया, और देखते ही देखते एक ही तीर से उसने उन 10 पेड़ों को एक ही बार में भेद दिया। यह देखकर वो भी बहुत अचरज में था और वह बहुत खुश था। प्रजा की जय जयकार से अब वह अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा था, और ऐसा करने के बाद वो और भी तन कर खड़ा हो गया। जनता ने उसकी वाह वाह की, उस राजा की जय जयकार की, और अपनी प्रजा के मुख से यह सब सुनकर मानो उसके शरीर में एक नई ताकत सी आ गई थी। उस बूढ़े राजा के कांपते हुए हाथ अब सही और सटीक निशाना लगा पा रहे थे, आवाज जैसे गर्जना कर रही थी। राजा वापस रथ पर बैठा और वापस अपने महल पर लौट आया, लेकिन वह वहां पर उन गुरु को भूल गया। वह यह भूल चुका था कि वह वहां पर कुछ जानने गया था, कुछ सवालों का जवाब लेने गया था। इन सब चीजों के बारे में वह बिल्कुल भूल चुका था। वह अब अपने आप को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। ठीक उसी समय पर पड़ोसी राज्य ने
उस राज्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उस बूढ़े राजा ने उस पड़ोसी राज्य को हरा दिया। और अब सब बहुत खुश थे, राजा की जय जयकार हो रही थी, हर कोई राजा को बधाइयां दे रहा था, चारों तरफ खुशी का माहौल था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीतता गया और करीब 3 वर्षों के बाद वह बूढ़ा राजा अत्यधिक बीमार पड़ गया। अब उसका शरीर पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब हर कोई केवल यही कह रहा था कि अब हमारे राज्य का राजा नहीं बचेगा। और जब राजा को भी यह प्रतीत होने लगा कि अब वह नहीं बचने वाला, उसका अंतिम समय आ चुका है, तभी अचानक उसे ख्याल आया कि मैंने अपने जीवन में क्या पाया है। और यह सवाल आते ही उसे उन गुरु की याद भी आ गई। तभी वह यह सोचने लगा कि मैं कितना भुलक्कड़ हूं, मैंने उन गुरु से जो सवाल किया था उसका जवाब तो मैंने आज तक नहीं लिया। उन गुरु ने कहा था कि मैंने धोखा पाया है, जीवन भर धोखा, लेकिन वह धोखा मुझे किसने दिया है यह तो मैं जान ही नहीं पाया था। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अपनी मृत्यु से पहले मैं इस सवाल का जवाब जान कर ही रहूंगा। उसने जैसे तैसे हिम्मत की, वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ वह अपने रथ पर जा बैठा और अपने सारथी को लेकर वह उन गुरु के पास पहुंचा। वह बूढ़ा राजा उन गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं तो ये जान ही नहीं पाया था कि आखिर वह धोखा देने वाला व्यक्ति कौन है जो मेरे जन्म काल से मेरे मृत्यु तक मेरे साथ ही रहेगा और जो मुझे पल पल धोखा दिए जा रहा है। इस बात को पूरे 3 साल बीत चुके हैं और मैं इस सवाल का जवाब आपसे पूछना ही भूल गया, किंतु अब मेरा अंतिम समय आ चुका है और मैं जानता हूं कि अब मैं ज्यादा देर नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन है जो मुझे बचपन काल से अब तक पल पल धोखा दिए जा रहा है और जिसे मैं जानता तक नहीं। वह राजन दोनों हाथ जोड़कर उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, अब तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस बूढ़े राजा से कहते हैं, हे राजन, ये वही है जिसने 3 साल पहले भी तुम्हें धोखा दिया था। जब तुम ये बिना जाने कि तुम्हें कौन धोखा दे रहा है यहां से वापस चले गए थे, ये भूल गए थे कि तुम यहां पर किसी सवाल का जवाब लेने आए थे, ये सब उसी का किया धरा है। तभी वह राजा कहता है, हे गुरुवर, आखिर वो है कौन? आप उसके बारे में मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं बताते? तभी वह गुरुवर कहते हैं, वह कोई और नहीं है, तुम्हारा मन है, जो तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी ताकत भी है, जो तुम्हारी कमजोरी भी है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने कहा है कि तुम शक्तिशाली हो, जिसने तुम्हें अनगिनत युद्धों में जीत दिलाई है, जो तुम्हें कहता है कि तुम ज्ञानी हो, जो तुम्हें कहता है कि तुम सुंदर हो, जो तुम्हें बताता है कि तुम महान हो, जो हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारे साथ ही रहता है, जो तुम्हारे विश्वास का पात्र है, जो तुम्हारा विश्वास जीत चुका है, तुमने उस पर आंख बंद करके इतना विश्वास कर लिया है कि तुम उससे कभी कोई सवाल तक नहीं करते, लेकिन वही तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दिए जा रहा है। और अब जब तुम्हारा अंतिम समय आया है, तब तुम ये जानने आए हो कि आखिर तुमने क्या पाया है। और ऐसे समय पर क्या जवाब मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही हमारा मन हमसे ये कहता है कि हम शक्तिशाली हैं, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, हमारा शरीर पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगता है और वापस वह अपने कार्यों में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक अच्छा मित्र तुम्हारा साथ देता है, ठीक उसी तरह से वह भी तुम्हारा साथ रहता है, किंतु वह तुम्हें एक शत्रु की तरह धोखा भी देता रहता है। इस पर वह बूढ़ा राजा कहता है, हे गुरुवर, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा मन मुझे किस तरह से धोखा दे रहा है और उसने मुझे अब तक क्या धोखा दिया? तभी वह गुरुवर उस राजा से कहते हैं, हे राजा, तुमने अपने जीवन में अब तक क्या पाया है? तभी वह राजा कहता है, हे गुरुवर, पहले तो लगता था कि मैंने बहुत कुछ पाया है, जो कुछ भी मैंने किया है सब मेरा ही किया धरा है,
लेकिन अब जब मेरा अंतिम समय करीब आ चुका है, तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैंने अब तक कुछ किया ही ना हो। तभी वह गुरुवर कहते हैं, हे राजन, तुम कौन हो? इसके जवाब में वो राजा कहता है, हे गुरुवर, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा तुम क्या हो? तभी वह राजा कहता है, हे गुरुवर, मैं एक पिता हूं, एक पति हूं, भाई हूं, मित्र हूं, रिश्तेदार हूं, शत्रु हूं, ऐसे कई सारे अनगिनत रिश्ते जो मेरे साथ जुड़े हैं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, इन सब के अलावा तुम क्या हो? इस पर वह राजा कहता है, हे गुरुवर, इन सब को यदि अलग कर दिया जाए तो भी मैं एक इंसान हूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के अलावा तुम क्या हो? यह सुनकर वो राजा थोड़ा सा अचरज में पड़ जाता है और वह आश्चर्यचकित होकर उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, एक इंसान होने के अलावा मैं और क्या हो सकता हूं? तभी वह गुरुवर कहते हैं, ध्यान लगाओ, ध्यान से सोचो, जोर दो, कोई जल्दीबाजी नहीं, तुम आराम से इसका उत्तर दे सकते हो कि आखिर तुम इन सबके अलावा क्या हो। राजा ने बहुत देर तक सोचा, बहुत देर तक विचार किया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और आखिरकार वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, इन सबके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं पाया और ना ही मैंने आज तक कुछ किया है। तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस राजा से कहते हैं, हे राजन, कुछ देर पहले ही तुम्हारा मन तुमसे कह रहा था कि तुम एक राजा हो, सम्राट हो, शक्तिशाली हो, सुंदर हो और तुम्हारे जैसा वीर और कोई नहीं है। तुम्हें तो कहा था तुम किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के रिश्तेदार, किसी के मित्र तो किसी के शत्रु हो। क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे मन ने तुम्हें क्या क्या बना रखा है? और जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन ये नहीं चाहता कि तुम खुद को जानो, खुद को पहचानो कि आखिर तुम हो कौन। और मन अपने इस कार्य में सफल रहा क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते कि आखिर तुम कौन हो, तुम क्या हो। तुम जैसे खाली आए थे वैसे ही खाली रह गए, तुम्हारा तो पूरा जीवन व्यर्थ में ही निकल गया। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? इस पर वह राजा कहता है, हे गुरुवर, मैं नहीं जानता कि आखिर मैं कौन हूं, मैं इस समय बिल्कुल खाली हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं ज्ञान। मैंने अपना पूरा जीवन किस तरह से बिताया, मैंने क्या क्या किया, मैं अपने पूरे जीवन भर ये नहीं जान पाया कि आखिर मैं क्या हूं और कौन हूं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देने में कामयाब रहा और तुम इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होकर भी उसका मुकाबला ना कर सके, तुम उसके सामने हार गए। यूं तो तुमने अनगिनत युद्ध जीते हैं, लेकिन आज तुम अपने भीतर का ही यह युद्ध हार चुके हो। तभी वो राजा कहता है, हे गुरुवर, क्या हुआ कि यदि मेरे मन ने मुझे अब तक धोखा दिया है, लेकिन अब भी मेरे पास कुछ समय शेष बचा हुआ है, मैं इस समय में खुद को जानने का पूरा प्रयास करूंगा। राजा की इस बात पर एक बार फिर से वह गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, मन को काबू में करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और अब तो तुम्हारा शरीर पहले से ही बहुत कमजोर है। तुम्हारे पास ना तो अब शरीर बचा है और ना ही वो शक्ति। हाँ, यदि 3 वर्ष पहले यदि तुमने इस प्रश्न का जवाब जान लिया होता तब तुम शायद अवश्य कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन तब तो तुम्हें तुम्हारे मन ने एक बार फिर से धोखा दे दिया था और तुम इस गुमान में वहां से चले गए कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। लेकिन देखो, अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है और अब इस समय में तुम क्या करोगे? ना तो शरीर है और ना ही इतनी शक्ति है कि वो मन को पढ़ सके, और ना उतना समय है कि तुम कुछ जान सको।
उन गुरु की ये सारी बातें सुनकर वो राजा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हे गुरुवर, मैं तो मूर्ख था जो मैं अपने आप को एक चक्रवर्ती सम्राट समझ रहा था। मैं तो वास्तविक तौर पर एक भिखारी निकला, मैं तो एक दरिद्र निकला, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया, मेरी आंखें खोल दी, मुझे ये ज्ञान दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ भी नहीं जान सका, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी दरिद्रता को देखकर मर रहा हूं। तभी गुरुवर कहते हैं, वास्तव में बचपन में जो जीवन तुमने शुरू किया था वह जीवन तुम्हारा आज से शुरू हो रहा है। जानने का, जीवन पहचानने का, अपने जीवन को, अपने आप को समझने का और मैं कौन हूं, क्या हूं, ये पता करने का। उन गुरु की यह बात सुनकर उस राजा ने हंसते हुए वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। मरने के बाद भी आज भी लोग उसे सम्राट ही कहेंगे, क्योंकि हर किसी ने उसका वही रूप देखा था, लेकिन वह राजा ये जान चुका था कि असल में वो कुछ नहीं है। और हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही चलता है, जब तक हमारे शरीर में जान होती है, ताकत होती है, हम जवान होते हैं, युवा होते हैं, तब तक हम कभी ये नहीं सोच पाते कि हम कौन हैं। और कभी ऐसा सवाल भी आ जाए तो हमारे पास उसके लिए समय नहीं होता कि हम उसे जाने, उसे पहचाने, क्योंकि हमारा मन तरह तरह के जाल बुनता रहता है, हमें उनमें फंसाता रहता है और न जाने कई प्रकार के हमें उत्तर भी दे देता है, उत्तर जो कहीं से सुने सुनाए गए हों, किसी महान व्यक्ति के द्वारा बताए गए हों, वही शब्द हमारा मन हमारे कानों में डाल देता है, जिससे हम अपने आप को समझा लेते हैं कि हाँ, हम अपने बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। लेकिन ये सब केवल भ्रम बनाए रखने के लिए होता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि क्या आप अपने बारे में कुछ जानते हैं। वास्तविकता तो यही है कि आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते। जब हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है, बीमारियों से घिर जाता है, शरीर में शक्ति नहीं बचती, लेकिन तब भी मन जवान ही रहता है। और वास्तविकता देखिए कि हम अपने अंतिम समय तक भी इस मन के जाल में यूं ही फंसे रहते हैं। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो ये सोच पाते हैं कि मैंने क्या पाया। क्या आप जानते हैं कि आपने क्या पाया? हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है, उसे अपना शत्रु मत बनाइए। वह आपको बाहरी संसार में पहचान दिला सकता है, तो वही आपको आपके अंतर में भी उतार सकता है, लेकिन इसके लिए शरीर में शक्ति की आवश्यकता पड़ती ही है। तो जब तक आपके शरीर में शक्ति है, तब तक इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिए, अपने आप को पहचान लीजिए, अन्यथा एक बार आपने अपनी शरीर की उस शक्ति को खो दिया तो आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि आप कौन हैं और क्या हैं। उसके बाद केवल आपको पछतावा ही होगा और अंतिम समय तक आप अपने मन के जाल में यूं ही फंसे रहेंगे। आप अपने आप को जानने पर जोर दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी हो जाएं। यह भी एक भ्रम ही है जो हमारे मन ने हमारे भीतर पैदा किया हुआ है, जिसमें उसने हमें फंसा कर रखा है। इसलिए अपने आप को पढ़ो, अपने आप को जानो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिससे आप अपने आप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और आप अपने उन प्रश्नों का जवाब भी जान सकते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।